हर हर महादेव। देखिए हमारे पास टेलीग्राम पर एक प्रश्न आया हुआ है गुजरात से, इनका नाम है धार्मिक ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय, एक श्लोक लिख रहे हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र का कि रामः कृष्णश्च भो विप्र नृसिंहा शूकरस्तथा एते पूर्णावताराश्च यन्ये जीवांश कान्विताः। कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है, माने इसका क्या भावार्थ है, माने क्या इसमें शंका है, उसका निवारण करिएगा। शंका क्या है, देखिए इस श्लोक में बतलाए गए हैं जो भगवान के कुछ अवतार जैसे श्री राम कृष्ण और नृसिंह और जो है शूकर अवतार, जो भगवान का वारा अवतार, ये पूर्णावतार, ये तो पूर्णावतार आश्चर्य, ये तो पूर्णावतार है और अंश अवतार है, कला अवतार है। तो ये क्या ये सब पूर्ण है और बाकी के अंश और कला अवतार हैं, तो ये ठीक है बात, ऐसा पूछना चाह रहा है। क्योंकि हमने कहीं सुना है, ऐसा लोग सुनते हैं कि श्री राम के और कृष्ण भगवान के ये पूर्ण अवतार हैं, बाकी के जो अंश और कला अवतार हैं, तो इसमें तो और कई गिनाए गए हैं, तो ये ठीक है क्या? तो अब इसका समाधान देखिए कि भगवान के जो अवतार हैं वो कई तरीके के हैं, पूर्णावतार, अंशावतार, कलावतार, स्फूर्ति अवतार, है ना, आवेशावतार, कई तरीके के अवतार हैं, उनकी चर्चा शास्त्रों में है। अवतार भगवान क्यों लेते हैं, इसमें भी बड़ी बड़ी चर्चा है ना, कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि अरे अवतार हेतु जय होई इद मिथम कई जातन सोई। भगवान इसीलिए ही आते हैं, ये एकदम इत्थम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि का कई कारण है, कुछ कारण हम बतला सकते हैं आपको, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, वो जैसे जब जब होए धर्म की हानि, आड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, यदा यदे धर्म से क्षयो वृद्धिश्च पाप मना, यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इत्यादि बहुत कारण है राम जन्म के, हेतु अनेका। परंतु विद्वान लोगों का ये माना है निज इच्छा लीला बपुधरे, अनेकानेक कारणों में सर्वप्रथम और मुख्य कारण भगवद इच्छा है, भगवान के अवतारों में मुख्य कारण भगवान की इच्छा है। अब भी जब जैसी इच्छा करते हैं वैसा स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात देखो श्रीमद् भागवत में भी बतलाई गई है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि, कि ये जो भगवान के अवतार हैं ये सब अंशावतार और कलावतार हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो है स्वयं साक्षात हैं, माने पूर्ण अवतार है। भगवान श्री राम जी के बारे में भी है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की तिलक टीका के आधार पर श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज भी कहते हैं, और भी पद्म पुराण इत्यादि के वचन भी हैं कि, और ये भी वचन जो अभी मैंने बोला बृहत पाराशर होरा शास्त्र का, तो इसमें भी श्री रामचंद्र जी को भी लिया गया है कि ये पूर्ण अवतार है। रामा कृष्णश्च वो विप्र नृसिंहा शूकरस्तथा एते पूर्णावतारश्च, ये सब पूर्णावतार। तो और भी कई जगह पर कहीं किसी वामन भगवान को भी पूर्णावतार बतलाया गया है, क्योंकि उन्होंने विराट भगवान के रूप में जो है प्रकट हुए हैं वो भी, तो वो भी पूर्णावतार। ऐसे तो इस तरीके का कई पूर्णावतार बतलाए जाते हैं, कुछ अंशावतार कुछ कलावतार। पर विद्वानों का मानना ये है, देखिए दक्षिण के विद्वान हैं श्री अनंत नारायण फणके जी, उन्होंने लिखा हुआ है अपने ग्रंथ में कि भगवान का कोई भी अवतार अंशावतार या कलावतार या छोटा नहीं है, सभी अवतार उनके पूर्णावतार ही हैं। ये बात बहुत जो है समझने की है, क्यों, क्योंकि उपनिषदें उनको क्या बतलाती हैं,
कि वे पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे सदा पूर्ण है, कभी अपूर्ण नहीं है, पूर्ण काम है, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है, अखंड है। जो कोई अखंड है तो उनके खंड कैसे हो सकते हैं कि भाई ये छोटा रह गया, ये बड़ा हो गया, ये तो सामान्य बातें हैं। उनके सभी अवतार पूर्ण हैं, वे कभी अपूर्ण होते ही नहीं। पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, अगर पूर्ण में से पूरा का पूरा ही ले लो तब भी पूरा बचता है, तो फिर कहाँ जो अपूर्ण रहेंगे वो। कोई भी अवतार उनका अपूर्ण नहीं है, कोई भी अंश या कला या छोटा बड़ा नहीं है, वो तो सदा पूर्ण रहने वाले हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि बेजी अंशावत एते चांस कला पुंसा, ये अंशावतार है, ये कलावतार, ये श्लोक भी कह रहा। तो इनका देखिए पंडित जी, इनका कहने का तात्पर्य क्या है इस श्लोक का, फिर अंशावतार कलावतार क्यों कहा जा रहा, वो इस आधार पर कहा जा रहा उनकी लीलाओं को देख करके, उनकी अवतार की शक्ति को देख करके, उनके द्वारा किए गए उस अवतार में क्रियाकलाप और उपदेशों को देख करके उनको अंशावतार और कलावतार कहा जा रहा है। कि जहां जितनी शक्ति प्रकट करनी थी उतनी शक्ति प्रकट कर दी, तो उनको उस रूप में कहा जा रहा है। अब ऋषभदेव भगवान का अवतार है, उन्हें जितनी शक्ति की उतना कर दी। अब जो कपिल भगवान का अवतार है तो वहां कोई शक्ति दिखानी ही नहीं, वो राक्षसों को मारने के लिए आए ही नहीं। अब आप तो राक्षसों को मारने की शक्ति को देख करके वो तौल रहे हैं कि इनमें कितनी ताकत है, भक्तों को वरदान देने की शक्ति को देख करके तौल रहे हैं। अरे भाई यहां तो उनको ये जो है उपदेश देना था, व्यासावतार है, वहां कोई लड़ाई करनी है उनको। व्यास जी भगवान के अवतार है, नारद जी भगवान के अवतार है। अब बोले कोई भी राक्षस आता है तो नारद जी तो भागने लगते हैं, और फिर वो जो है भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, भगवान विष्णु ने उनको बचाया, कई राक्षसों पीछे पड़ जाते, गणपति ने बचाया, शिव जी ने बचाया। तो ये बात एक, अब यूं कहा जाए कि भाई वो पूर्ण अवतार नहीं है, नहीं नहीं, वो किस प्रयोजन से उन्होंने अवतार धारण कर रखा है। अब मोहिनी भगवान का अवतार का प्रयोजन ही अलग था, मोहिनी का, अब उसमें चाहे कोई भी हो उनको तो मोहित करना है, शिव जी आ जाए वो भी मोहित हो जाएंगे, कोई भी आ जाए, तो अवतार का एक प्रयोजन है। इसी आधार पर अंश और कला अवतार शास्त्र उनको बतलाते हैं, अन्यथा वे सब पूर्ण अवतार हैं, कोई भी कम नहीं है। क्योंकि कोबर छोट कहत अपराध, किसी भगवान के अवतार को छोटा और किसी को बड़ा कहना ये तो अपराध है। सब पूर्ण है, कोई भी अपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से इस श्लोक में बतलाए गए वे भी पूर्ण है। भगवान शिव, जो भगवान जो है श्री राम, श्री कृष्ण और भी जो अवतार है, तथा 24 अवतार और भी 24 अवतारों के अलावा भी जो अवतार है वो सभी पूर्ण है, क्योंकि वे कभी अपूर्ण होते ही नहीं है। इस तर्क का कोई खंडन नहीं है, पर ये शास्त्रों में जो बतलाया गया है कहीं पुराण आदि में, वो उनकी लीलाओं को देख करके बात प्रकट की गई है। इस रहस्य को भक्तों को अवश्य समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उनमें राम जी 12 कला से थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला से थे, ये सब कलाएं कितनी होती हैं। अच्छा बताइए आप, क्या 16 ही कलाएं होती हैं? क्या 16 ही कला होती हैं बस? हमने तो ये 64 कलाएं सुनी है, 64 कलाएं होती हैं सामान्य, 60 कला, 64 कला, और भी लाखों कलाएं होती हैं। तो भगवान में मतलब 16 ही कला हुई, तो क्या ज्यादा होगी? 16 कला तो चंद्रमा की है, सूर्य की 12 कलाएं, अग्नि की 11 कलाएं, 10 कला भी वरुण आदि की होती हैं, सबकी अपनी अपनी कला है। तो ये कोई ऐसा इन कलाओं में तौलना ये माप नहीं है। सब देवताओं की अपनी अपनी कला है, और कुछ तो कलाकार यहां तो दुनिया में तो हर आदमी कलाकार है भाई। कितनी कला है? भगवान श्री कृष्ण ने 64 कला वहां सीख ली थी अपने गुरु जी के पास में, 64 दिन में जाकर। तो ये बात अलग है, कहने का तात्पर्य जी उन लीलाओं को देख करके ये आकलन किया गया है, तो ऐसे हैं। बाकी के तत्वतः वे पूर्ण हैं, कोई भी अपूर्ण नहीं है। हर हर महादेव।